Hello students, I'm back and we have a new topic at hand today. Real account versus nominal account. चलिए समझते हैं इन दोनों के अंतर को. Real account में क्या difference है, nominal account में क्या difference है, इसे ये क्या चीज को relate करता है, किस चीज को दिखलाता है और इसकी accounting treatment कैसे होती है. वो तो भाई दोस्तों हमने already पता है, वो golden rules of accounting से related है. तो real account और nominal account की शुरुआत करते हैं. रियल अकाउंट, इसका मुख्य वर्ड है प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी, चलते हैं नॉमिनल अकाउंट की तरफ. नॉमिनल अकाउंट, इसका मुख्य वर्ड है एक्सपेंस और इनकम. रियल अकाउंट, इसका मुख्य वर्ड प्रॉपर्टी. नॉमिनल अकाउंट, इसका मुख्य वर्ड एक्सपेंस और इनकम. अब चलिए इसको और विस्तार से समझें. रियल अकाउंट से शुरुआत करते हैं. प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से आप क्या समझते हैं, लैंड, बिल्डिंग, फैक्ट्री, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्स्चर, ये सभी प्रॉपर्टीज में आती हैं. इसकी और एक खासियत है, वो क्या है, वो ये है कि ये सारे इंटेंजिबल है. आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. आप फर्नीचर को छू सकते हैं, हाँ छू सकते हैं. प्लांट एंड मशीनरी को छू सकते हैं, हाँ छू सकते हैं. बिल्डिंग को छू सकते हैं, हाँ वही छू सकते हैं. फिजिकल स्ट्रक्चर है पूरा, देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, टैंजिबल है. तो प्रॉपर्टी. और इसमें एक और कैटेगरी है, इनटैंजिबल कैटेगरी, जो कि जिसका अस्तित्व तो है लेकिन आप उसे छू नहीं सकते, आप उसे देख नहीं सकते. वो क्या है, इनटैंजिबल एसेट्स. उसे कैसे लिखेंगे, उसे लिखेंगे ऐसे, इनटैंजिबल एसेट्स. ठीक है, तो अब इनटैंजिबल एसेट्स, इसके लिए आपको क्या समझना है. इनटैंजिबल, जो टैंजिबल नहीं है, मतलब जिसे आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते. एग्जाम्पल लेते हैं, क्या है इसके उदाहरण, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ये सारे ही इसके उदाहरण हैं. क्या आप गुडविल को छू सकते हैं? आपको पता है आपकी मार्केट में रेप्यूटेशन बहुत ज्यादा है, क्या आप रेप्यूटेशन को जाकर छू सकते हैं? क्या आप अपने नाम और अपने अस्तित्व, मतलब अपने नाम और यू नो शौर्य को आप छू सकते हैं? नहीं. आज इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वर्ल्ड की बेस्ट कंपनियां हैं, क्या आप उन्हें जाके छू सकते हैं? नहीं. उनके ऑफिस को छू सकते हैं, क्या उस कंपनी को छू सकते हैं? क्या उस कंपनी की रेप्यूटेशन जो है मार्केट में, आप टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज है, उन पर लोग कितना विश्वास करते हैं कि टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी है तो डेफिनेटली इसकी पॉलिसीज अच्छी होगी, ये कंपनी तो एक अच्छी कंपनी है, तो इसकी गुडविल बहुत ज्यादा है मार्केट में, लोग विश्वास करते हैं कंपनीज पे, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज पे. लेकिन क्या आप इस गुडविल को जाकर छू सकते हैं, देख सकते हैं? नहीं, ये सिर्फ महसूस की जा सकती है. आपको पता है कि लोगों में ऐसा विचार है लोगों का कि वो सोचते हैं कि टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज बहुत ही विश्वसनीय कंपनी है, ये इसकी गुडविल है, ये इसकी ब्रांड वैल्यू है मार्केट में, तो ये कंपनी के लिए तो एक एसेट ही है, कंपनी के लिए ये एक फायदे की चीज है कि कंपनी का नाम बहुत ही अच्छा है मार्केट में. लेकिन इसे छुआ नहीं जा सकता, इसे पकड़ा नहीं जा सकता, इसीलिए ये इनटैंजिबल कैटेगरी में आती है और ये रियल अकाउंट की भी हिस्सा बन जाती है. अब आते हैं नॉमिनल अकाउंट पर. जैसे कि मैंने कहा, नॉमिनल अकाउंट के मूल शब्द एक्सपेंस और इनकम है. तो एक्सपेंस और इनकम है, इसका मतलब कोई भी खर्चा बिजनेस से जुड़ा हुआ वो नॉमिनल अकाउंट में आता है, और कोई भी इनकम, बिजनेस इनकम जो है आपकी, वो नॉमिनल अकाउंट में आती है. इनफैक्ट कैपिटल इनकम, जैसे आपने कोई एसेट को, कोई प्लांट एंड मशीनरी जो कि आपने यूज कर लिए, अब आपको शायद उसे बेचना है, तो आप स्क्रैप में बेचे या फिर उसे अच्छे दाम में बेचे, जो भी, या आपकी कोई फैक्ट्री बिल्डिंग है जो आपको अब यूज नहीं करनी, उसे आपको बेचना है, आपने उसे बेच दिया और आपकी कॉस्ट प्राइस से ज्यादा पर बेच दिया सपोज, तो आपका प्रॉफिट हो गया उस बेचने पर, और अगर आपने कॉस्ट प्राइस से कम पर बेच दिया तो आपका नुकसान हो गया उसमें, उसे बेचने पर. ये सारे ही प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट भी इनकम कैटेगरी में आकर नॉमिनल अकाउंट का हिस्सा बन जाते हैं. तो अब हम क्या कह सकते हैं कि इन दोनों में अंतर आपको क्या समझ में आता है. इन दोनों में अंतर ये है कि इन दोनों जो आइटम्स को ट्रीट करते हैं वो एकदम अलग है. एक तो प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई है, एसेट्स से जुड़ी हुई है, और एक
जो नॉमिनल अकाउंट है वो एक्सपेंस और इनकम से जुड़ी हुई है। इसका मतलब अगर हम डिफरेंसेस को पॉइंट्स के हिसाब से बात करें तो डिफरेंस नंबर वन, ये जो रियल अकाउंट है ये एसेट्स से जुड़े हुए हैं, नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस और इनकम से जुड़े हुए हैं। पॉइंट नंबर टू, अब बताइए एसेट्स है तो कहां दिखाए जाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? बैलेंस शीट में। इसीलिए रियल अकाउंट बैलेंस शीट में दिखते हैं और नॉमिनल अकाउंट जो एक्सपेंस एंड इनकम है वो आपके रेवेन्यू नेचर के होते हैं, इसीलिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में अपनी जगह बनाते हैं। ये दूसरा डिफरेंस हुआ। तीसरा डिफरेंस, इनका क्लोजिंग बैलेंस, इनकी क्लोजिंग बैलेंसेस का क्या ट्रीटमेंट होता है? जो नॉमिनल अकाउंट है, पहले रियल अकाउंट की बात करते हैं, जो रियल अकाउंट है उसका उसके क्लोजिंग बैलेंसेस को आप कैसे करेंगे? जो क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं वो बैलेंस शीट में दोबारा से आते हैं। जो क्लोजिंग बैलेंसेस है वो बैलेंस शीट में आते हैं और नॉमिनल अकाउंट के जो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हिस्सा बन जाते हैं। अब आखिरी और चौथे डिफरेंस पे आते हैं, वो है इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का डिफरेंस, इन्हें बही खातों में कैसे दर्ज किया जाता है। तो इनका रूल ये है, रियल अकाउंट का रूल ये है कि अगर जो चीज जो प्रॉपर्टी आपके पास आए उसे आप डेबिट कीजिए और जो प्रॉपर्टी आपके पास से जाए उसे क्रेडिट कीजिए। व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड एंड व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड। और नॉमिनल अकाउंट का क्या ट्रीटमेंट है, इसके हिसाब से क्या रूल है कि जो भी इनकम है उसे आप प्लीज क्रेडिट कीजिए और जो एक्सपेंस है उसे आप डेबिट कीजिए। मतलब सारे खर्चे डेबिट होंगे, सारे मुनाफे सारी इनकम आपकी क्रेडिट होगी, सारी कमाई जो है वो क्रेडिट होगी। ये रूल में डिफरेंस है, प्रेजेंटेशन में डिफरेंस है और इनके आइटम्स में डिफरेंस है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से बात समझ में आ गई होगी, रियल और नॉमिनल अकाउंट का डिफरेंस क्या है। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट की डिफरेंस को अच्छे से समझिएगा, दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये फ्यूचर में भी आपको काम आने वाली है। ये बेसिक्स है और बेसिक्स को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखिएगा। इसी आशा के साथ मैं आज का सेशन क्लोज करती हूँ। थैंक यू सो मच। टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम।